सुप्रभात प्यारे स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में रिमझिम पाठ्यपुस्तक का पार्ट 7 डाके की कहानी कवरसी की जुबानी के बारे में भाग 3 में लेखिका प्रश्न पूछती है कि आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब बैंकर है, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? इसके जवाब में कवरसी कहते हैं कि बैंकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। आगे वह कहते हैं कि सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है, बैंकर बनने पर बैंकर का भी वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब हम इस वीडियो में उससे आगे क्या जवाब देते हैं वह देखते हैं। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। वह कहते हैं कि अभी यदि किसी को डाकिये की नौकरी करनी है तो उसमें लगना बहुत मुश्किल है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है, यानी कि कह रहे वो कवरसी कि हम में से जितने डाकिये थे जो रिटायर यानी कि निवृत्त हो चुके हैं उनकी जगह खाली है, लेकिन फिर भी उनकी जगह पर नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, न जाने आने वाले समय में कैसा होगा। वह चिंतित है कि जो जगह खाली है वो खाली जगहों पर दूसरे लोगों को उस पर नहीं रखा जा रहा है, और इस कारणवश डाकिया जो डाक बांटने वाला है उसके ऊपर उनका काम जो है वो बढ़ चढ़कर उनको करना पड़ता है। इसकी वजह से दो बोझ जो है काम का वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, न जाने आने वाले समय में क्या होगा। आगे प्रश्न करती है लेखिका, काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई है? यानी कवरसी को लेखिका पूछ रही है कि यदि आपने अपनी नौकरी के दौरान कोई ऐसी खास बात हुई है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो। उसके जवाब में कवरसी कहते हैं, एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था, तबादला यानी ट्रांसफ़र। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था, यानी रात के समय उनको रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था, यानी कि ये जो बात कर रहे हैं वो 1998 की बात है, और 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया, यानी रात के लगभग 10:30 बजे थे और किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया, नॉक नॉक। मैंने पूछा, कौन है? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। जाहिर है इतने रात के समय कौन आ सकता है, तो कवरसी ने पूछा, कौन हो? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया, और जैसे ही दरवाज़ा कवरसी ने खोला और अचानक 5-6 लोगों ने अंदर घुसकर कवरसी को मारना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, क्यों पीट रहे हो? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। कवरसी ने उनका विरोध किया कि क्यों मुझे मार रहे हो, तो किसने कुछ बोला नहीं, ऑफिस की लाइटें बंद कर दी और लगातार उनको पीटते रहे, और किसी ने उनके सिर पर ऐसी भारी चीज़ से वार किया जिससे उनका सिर जो है वो फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा, उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला। मैं लगातार जो दर्द हो रहा था उसकी वजह से कवरसी क्या हो रहे थे, चिल्लाते रहे, और उसके बाद वो बेहोश हो गए। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था, यानी कि जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि वह एक अस्पताल में एडमिट है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उन दिनों के समय उनका 17 साल का जो बेटा था वह कवरसी के साथ ही रहता था।
उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे दरवाजों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। जब कवर्सी जो है दर्द के कारण चिल्ला रहे थे तब उनकी आवाज़ सुनकर उनका लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक रहते थे पास में ही वह दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर आए और उनको अस्पताल ले गए। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे, उसकी वजह से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता है। उनके सिर पर काफ़ी चोट आई थी और जिसकी वजह से कई टाँके लगाने पड़े थे और उसकी वजह से आज भी कवर्सी की एक आँख में दिखाई देता नहीं है। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। सरकार ने जो है कवर्सी के इस बहादुरी पर उनको बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, यानी कि सर्टिफिकेट, और 500 रुपये दिए गए थे। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। उनको अपने काम और कर्तव्यनिष्ठा फर्ज के कारण उनको सरकार ने बेस्ट पोस्टमैन की उपाधि दी और उनको इनाम के तौर पर 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया गया। इस कारणवश उनके घर वाले और वह बहुत खुश है और उनको अपने ऊपर गर्व है, प्राउड है कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। डियर स्टूडेंट, हमें भी अपने काम के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा और लगन से वह काम करना चाहिए। तो आज के लिए डियर स्टूडेंट इतना ही। यदि आपको पाठ की प्रस्तुति में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपको नेक्स्ट टाइम इस पाठ की PDF दी जाएगी जिसको आपको सुंदर अक्षरों से अपनी हिंदी की CW में लिख लेना है। धन्यवाद।